नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से अपने मुंह पर ताला लगा लो, चाहे कोई भी हो, पर यह बात मत बताना। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, दोस्तों सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों में ऐसे ही बड़े परिवर्तन कल से होने वाले हैं, जिनका असर आप सभी के जीवनकाल में कुछ ऐसा होगा कि दोस्तों घर और परिवार खुशी में पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवनकाल के लिए आपके एक खुशियों का रास्ता साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन देखते ही देखते अचानक से बदल जाएगा। जो दुख के आपके दिन थे दोस्तों, वह क्षण में समाप्त हो जाएगा और दोस्तों आपके जीवनकाल में नई नई खुशियां दस्तक देने वाली है। क्योंकि दोस्तों कल से आपकी कुंडली में, आपकी राशि में जो भी बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, आपके जीवनकाल के लिए और आपके घर के माहौल के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों आपको लाभ के नए मौके कल से मिलने वाले हैं। कल से आप सभी का किस्मत बिल्कुल ही चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों घरों में कुछ ऐसे ही परिस्थिति का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी राशि में ग्रहों के तीन बड़े मिलनसार के कारण यश में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कल से बुध ग्रह आप सभी के जीवनकाल में खुशियों का नया द्वार खोलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कल से आप सभी के जीवनकाल में जो भी राहु का दशा था दोस्तों, बिल्कुल ही समाप्त होने वाले हैं। जो भी दुख दर्द है वो दोस्तों आपके कल से खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनके साथ ही साथ शनि का जो भी प्रभाव था आप सभी के जीवनकाल में, जो भी दुष्प्रभाव था दोस्तों, कल से वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यश में जो बुध है और शनि है, उनकी युति होने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आपके जीवनकाल में अब खुशियों का नया रास्ता खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। क्योंकि दोस्तों यश में आपको तीन बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ बुध और शनि के दशा आप सभी के जीवनकाल के लिए शुभ होने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यश में राहु का भी दशा, जो भी बुरा दशा है दोस्तों, वे समाप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप भूल कर भी ये तीन बड़ी गलती मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगर आप इन तीन गलतियों को नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में वो बड़े बदलाव होने वाले हैं कल से, कि दोस्तों आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा। और जो भी लोग आपसे जलते थे, जो भी लोग आपको चिढ़ाते थे कि दोस्तों आप अपने जीवनकाल में अब कभी भी सुख के दिन नहीं देख पाएंगे, दोस्तों उनके भी मुंह पर ताला लग जाएगा। परंतु आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं, उन बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा और अपने मुंह को बंद रखना होगा, ना ही इन बातों को किसी के सामने शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे परम भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल के आपके संकट धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक महत्वपूर्ण वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दुख को त्यागो, दुख से लगाव होना एक रोग है, यह विकृत प्रवृत्ति है, यह प्राकृतिक नहीं है, यह बात याद रखो, मानवता पर रोग हावी रह रहा है। दोस्तों एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया, उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का आखिर राज क्या है। ऋषि ने उनसे कहा, तुम मेरे पास जंगल चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का एक राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चले गए। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद ही उनके हाथ में दर्द होने लगा।
किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया, उसने ऋषि को बताया तो ऋषि ने कहा, पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह पत्थर को एक मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता रहता है, उसी तरह दुखों का बोझ को जितने ज्यादा समय तक आप उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को एक मिनट तक अपने पास रखते हैं या फिर जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख के इस पत्थर को शीघ्र ही नीचे फेंक दो। जी हाँ दोस्तों, और यह अगर आप सीख लिए तो जीवन भर आप सुखी रहोगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान आज का यह परम शुभ ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आज का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से की साथ बात करते हैं कि कल से आप शिविर के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों कौन से तीन बड़े विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से लाभ के नए मौके मिलने वाले हैं। शायद दोस्तों इसमें माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से
और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यश में आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी यश में आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यश में आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यश में खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यश में प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यश में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यश में आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यश में कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी यश में आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की यश में आवश्यकता होगी, तो दोस्तों अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को यश में जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यश में पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुकी हुई पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यश में मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो यश में प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी यह समय मिल रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु डायबिटीज लोग अपनी नियमित जाँच अवश्य करवा लें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।